हेलो हेलो एवरीवन, दिस साइड पूनम ग्रोवर फ्रॉम सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फारुक नगर, गुरुग्राम। टुडे आई स्टार्ट विद माय लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 7, विच आर केम अंडर यूनिट 1। आई एम अ फैकल्टी मेंबर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। इन माय टुडे लेक्चर वी आर कवर द टॉपिक ऑफ वीएसडी एंड डिजिटल सिस्टम डिजाइन, दैट इज इंट्रोडक्शन अबाउट वेरियस प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, PLA, PAL एंड PROM. PLA stand for your programmable logic devices and PAL stand for your programmable array logic and PROM stand for your programmable read-only memory. So in which one common word that should be used here, that is programmable. So what do you mean by programmable? Programmable means where the connection make or break as per the requirement of logic design, you can make very easily with the help of your programmable switches. So we are came under the concept of your PLD devices. Any PLD devices, that is a combination of your AND array plus your OR array, in which we are giving the input through some buffers and you are getting the output. That output should be applied on any XOR gates. So by the use of these circuit, we can design any PLD devices. So under the concept of your PLD devices, what do you mean by PLD and what is its advantage over simple IC? So various problem occur in your IC, that is your logic design, they require hundred and thousands of ICs and considerable amount of circuits, broad space, a great deal of time and cost in inserting, soldering and testing. So to avoid the use of IC, we can use various PLD devices, and the advantage of PLD devices are less space and faster, low power requirement and less cost and higher reliability. So today in today era, the circuit or you can say logic design implement on PLA, PAL or you can say PROM in a very easy way. So the PLD devices is more flexible than your simple IC. So three fundamental PLD devices are used, and that PLD devices are differentiate with each other on the basis of your AND or OR array. Either they should be programmable or not, as per that diagram. ठीक है, तो उसने ये बोला है कि आपने जो आपके PLD devices हैं वो तीन तरह के होते हैं. वन इज कॉल्ड योर PROM, अदर वन इज कॉल्ड योर PAL एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड योर PLA. ठीक है, तो PROM में क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इस मैंने अभी बोला है कि जो भी डिवाइसेस बनाओगे, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ योर एंड एरे प्लस योर ओर एरे. ठीक है, तो आपने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो भी इनपुट है बफर से, जो भी इनपुट आएगी आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड, उसको आप फिक्स्ड एंड एरे को दोगे. द फिक्स्ड एंड एरे प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट टर्म्स एंड दैट प्रोडक्ट टर्म्स गोइंग टू योर प्रोग्रामेबल ओर एरे. क्लियर, एंड इसमें इन विच द प्रोग्रामेबल ओर एरे मीन्स क्या है, जो इसकी आउटपुट है, इसकी इसमें जो कुछ एक बार फिक्स कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो इसकी आउटपुट है वो इसकी इनपुट बन रही है, तो इसको जो इसकी इनपुट बन रही है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं एज पर माय लॉजिक डिजाइन विद द हेल्प ऑफ योर प्रोग्रामेबल स्विचेस. सो दैट्स व्हाई वी यूज हियर वर्ड प्रोग्रामेबल मीन्स चेंजेबल विद द हेल्प ऑफ योर प्रोग्रामिंग. ठीक है, एंड यू कैन गेटिंग द फाइनल आउटपुट हेयर. सो इन PROM योर एंड एरे शुड बी फिक्स बट द ओर एरे विल बी प्रोग्रामेबल. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका PAL. PAL के अंदर क्या है, इसका रिवर्स है. इसके अंदर एंड एरे फिक्स था, ओर एरे प्रोग्रामेबल था. इसके अंदर क्या है आपका, एंड एरे प्रोग्रामेबल है और लेकिन ओर एरे क्या है आपका, फिक्स है. क्लियर, ठीक है, तो इसका इससे क्या होगा कि आप इसके अंदर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेक और ब्रेक कनेक्शन करके, क्लियर, मतलब कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स. ठीक है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट टर्म्स की आउटपुट होगी उसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या बनाओगे आप, फिक्स्ड ओर एरे. इसमें जो इसकी आउटपुट, इसकी इनपुट बनेगी उसमें आप दोबारा चेंजेस नहीं ला सकते. ठीक है, वो आपकी क्या होगी, आपकी फाइनल आउटपुट होगी. क्लियर, लेकिन PLA के अंदर क्या है कि जो भी इनपुट आपकी एंड को जाएगी या जो भी आउटपुट आपकी ओर को आएगी, वो दोनों क्या है, प्रोग्रामेबल है. इट मीन्स एज पर द लॉजिक डिजाइन ऑफ इन ऑफ द प्रोडक्ट टर्म्स एंड योर यू कैन से योर ओर टर्म, योर प्लस टर्म्स, दैट शुड बी डिजाइन वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ योर PLA devices. So among of these three, that one is better
in all over because in which changeable are occur in both of these devices. So PROM क्या है? Program PROM stand for programmable read only memory. तो इसके अंदर मैंने क्या किया है कि आपका end array fix है और all array क्या है programmable है. तो इसमें क्या लिखा हो उसने, the PROM has a fixed end array. Clear? And the or array should be programmable. So PROM की help से हम किसी भी boolean function को बड़ी easy way से implement कर सकते हैं. Clear है? Suppose करो कि आपका कोई boolean function है, आपका boolean function की value आ रही है that is AB plus BC. तो यहाँ से हम AND को देंगे AB और यहाँ से BC देंगे. तो जो एक बार connection बन गया उसको change नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमको output क्या मिलेगी, AB and BC. उसको आप और से क्या करवा दोगे, add करवा दोगे. सपोज करो कि आपने ओनली ए बी भेजना है, ए सी भेजना ही नहीं है. क्लियर? तो आप ओनली ए बी की अगर आपके तीन टर्म्स आ रही हैं, सपोज ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, तीनों आउटपुट्स को आपने और को दे दिया, और क्या करेगा यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्रोड्यूस करवाएगा. लेकिन अगर सपोज करो आपको आउटपुट पे ए बी और बी सी चाहिए, तो ए सी के कंटेक्ट को क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, क्योंकि ये क्या है, प्रोग्रामेबल है. ठीक है? तो अगर आपको तीन की बजाय दो टर्म्स चाहिए, तो आप प्रोग्रामेबल कनेक्शन के अकॉर्डिंग दो को आउटपुट पे ला सकते हो, एक को क्या कर दोगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामेबल स्विचेस ओपन कर दोगे और ब्रेक कर दोगे, तो वो आउटपुट आपकी आउटपुट पे ट्रांसफर नहीं होगी. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, सो द पाल क्या है, पाल के अंदर दैट शुड बी रिवर्स लॉजिक. क्लियर? एंड पीएलए के अंदर क्या है, आपके दोनों प्रोग्रामेबल है, बोथ एंड एंड ओर अरे शुड बी प्रोग्रामेबल. सो दैट डिवाइस इज मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पीएलडी. क्लियर? तो उसने क्या बोला है कि हम जैसे मान लो जो PLA है, पहले हम PLA स्टडी करेंगे, उसके बाद PAL करेंगे, और PAL के अंदर ही मैं आपको PROM का लॉजिक क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी. तो जो PLA है, इन PLA ईच एंड गेट कैन बी प्रोग्राम टू जनरेट ए प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स एंड डजंट जनरेट ऑल मीन टर्म एज इन द फॉर्म ऑफ ROM. क्लियर? इट मीन्स ये एंड गेट के थ्रू आपकी ओनली प्रोडक्ट टर्म्स को जनरेट करेगा. क्लियर? फिर आपने एंड और ओर अरे गेट्स इनसाइड द पीएलए आर इनिशियली फैब्रिकेटेड विद फ्यूजेस अमंग देम. तो जो भी आपकी प्रोडक्ट टर्म्स होंगी या जो भी प्रोडक्ट टर्म्स की आउटपुट आपकी ओर गेट्स को जा रही है आगे, सपोज करो कि ये आपका, आपने यहाँ ये इस फिगर में क्या पढ़ा है कि ये आपका प्रोग्राम, आप पीएलए स्टडी कर रहे हैं, तो एंड और ओर अरे आपका क्या है, दोनों प्रोग्रामेबल है. तो आपने जो भी इनपुट दी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने प्रोडक्ट टर्म को जनरेट कर दिया. ठीक है? और उन प्रोडक्ट टर्म्स में जो आपको आउटपुट पे चाहिए उसको आप स्विच के थ्रू प्रोग्रामेबल करके यहाँ पे आउटपुट पे क्या करवा लोगे, प्रोड्यूस करवा लोगे. क्लियर? ठीक है? तो इसमें क्या हुआ कि आपके दोनों क्या है, प्रोग्रामेबल है. ठीक है? तो उसने क्या किया कि हम द स्पेसिफिक बुलियन फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड इन सम प्रोडक्ट फॉर्म बाय ओपनिंग एप्रोप्रिएट लिंक्स एंड लिविंग द डिजायर्ड कनेक्शन. तो जो भी बुलियन फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी या ए बी सी जो भी है, उसके अकॉर्डिंग वहां मेक और ब्रेक कनेक्शन करके इस लॉजिक को हम पीएलए के थ्रू बड़े इजिली वे से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है? तो उसने भी यहाँ पे भी सेम शो किया हुआ है कि आप पहले इनपुट पे बफर लोगे, फिर उसकी आउटपुट को एंड गेट को दोगे, एंड गेट के आउटपुट को आप ओर गेट को दोगे, और जो ओर गेट की फाइनल आउटपुट आओगी उसको हम एक्सोर गेट के थ्रू किसी फंक्शन को यहाँ क्या करवा देंगे, इम्प्लीमेंट करवा देंगे. क्लियर? ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगी आपके साथ, उससे आपको पीएलए बड़े इजीली वैसे समझ में आ जाएगा. तो पीएलए से हम किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को बड़े इजी वे से डिजाइन कर सकते हैं. क्लियर? जैसे मान लो पीएलए के थ्रू आपने एक कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना है, उसके लिए आपको एक बुलियन फंक्शन बनाना पड़ेगा. तो बुलियन फंक्शन बनाने के लिए आपको एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में आपको फंक्शन वन और फंक्शन टू की वैल्यू दी हुई है. इट मीन फंक्शन वन कहाँ कहाँ बनना है, जीरो पे वन है, देन वन पे वन है, देन टू पे वन है, देन फोर पे वन है. तो आपने फंक्शन की वैल्यू कोरस्पोंडिंगली वहां वहां इनपुट करवा दी, और फंक्शन टू आपका कहाँ बनना है, जीरो पे, जीरो के बाद आपका फाइव पे, सिक्स पे और सेवन पे वन है. क्लियर है? तो आपने उन फंक्शंस को वहां वहां इनपुट करवाया हुआ है, और जहां जहां वन है उनके कोरस्पोंडिंग आपने क्या बनाया आगे, के में बनाए हैं. फंक्शन वन और फंक्शन टू की आउटपुट को बुलियन फंक्शन, बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग बुलियन फॉर्म में चेंज करने के लिए आपने उन्हीं वैल्यूज को के मैप के अंदर डाल के एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज फंक्शन एफ वन और दैट इज फंक्शन एफ टू. तो ध्यान से चेक कीजिए कि फंक्शन वन आपका कहाँ बना रहा है. ठीक है? जीरो पे बना रहा है, टू पे, थ्री पे और फोर पे. तो जीरो, वन, टू और फोर, उनको हमने वन कर दिया. नेक्स्ट कहाँ बना रहा है फंक्शन टू आपका, जीरो पे,
फाइव पे, सिक्स पे, सेवन पे, जीरो पे, जीरो, वन, टू, थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, ये हो गया, ये तीनों वन हो जाएंगे। तो अब बाद में हम इसकी पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी फंक्शन वन और फंक्शन टू की फॉर्म में। क्लियर? रिमेम्बर दिस थिंग इन वेरी केयरफुल वे कि अगर आपको जब इन फंक्शन को आगे एंड और एरे से इम्प्लीमेंट करना होगा इन पीएलए डिवाइसेस के अंदर, तो ध्यान में रखिए कि अगर आपकी विदाउट बार वाली फॉर्म हो तो फंक्शन बटा बड़ी इजी वे से एनालिसिस के अंदर हैंडल हो जाता है, फ्लेक्सिबल वे से डिजाइन होता है विद द हेल्प ऑफ योर एंड एंड और एरे। तो मैंने क्या किया, सिंपली इस फंक्शन की आउटपुट को नोड गेट को अप्लाई कर दिया, तो जितने भी बार थे फंक्शन वन का बार लिया, यानी कि नोड फंक्शन वन का नोट ले लिया, तो ये जो बार है वो वहां से रिमूव हो गए। और फंक्शन टू में ऑलरेडी क्या है, बार वाक्य में पहले से कम आ रहे हैं, तो इसको हमने वैसे का वैसे रहने दिया। आपकी मर्जी, अगर आप फंक्शन टू की वैल्यू को चेंज करोगे तो क्या जाएगी, लाइक जब बार को, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके ऊपर बार लाना है, जिसके ऊपर बार है तो फंक्शन टू की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने वहां से फंक्शन वन और फंक्शन टू की वैल्यू को मेंटेन कर लिया। क्लियर? ठीक है, फिर क्या किया आपने, एक टेबल बनाई, उस टेबल के अंदर ध्यान से देखिए कि फंक्शन वन की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, आपने जिसके अंदर बार कम आ रहे हैं वो टर्म्स उठानी है। यहाँ से फंक्शन वन बार लिया और यहाँ से फंक्शन टू लिया। क्लियर? तो फंक्शन वन बार की वैल्यू क्या आ रही है, ओनली सिंगल टाइम्स, ए भी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो सिंगल टाइम ए भी लिखा जाएगा, ए सी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तब भी वो सिंगल टाइम लिखा जाएगा। बी सी सिंगल टाइम यहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन वो इक्वेशन के अंदर तो प्रेजेंट है, तो इसको भी हम सिंगल टाइम लिखेंगे। और यहाँ पे आपका ए बी सी बार आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, तो उसको भी हम सिंगल टाइम लिखेंगे। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि दोनों के अंदर जो कॉमन है पहले वो लिखेंगे, फिर जो कॉमन नहीं है उसको राइट किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप पीएलए के डिजाइन के अंदर आपकी चार प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं, ए बी, ए सी, बी सी और ए बार, बी बार, सी बार। ठीक है, तो उन वैल्यूज को आपने यहाँ लिख लिया, ए बी, ए सी, बी सी और ए बार, बी बार, सी बार। तो इससे देखने से पता चल रहा है कि अगर आपकी चार प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं तो आपके यहाँ पे कितने गेट्स यूज होंगे, चार एंड गेट यूज होंगे। और फंक्शन कितने आ रहे हैं, फंक्शन क्या कर रहे हैं, आपकी इन्हीं इनपुट्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एज पर दी डायग्राम और एज पर माई कंपनी, आपके यहाँ पे भी फंक्शन कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, जो इन्हीं प्रोडक्ट टर्म्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अगर दो आ रहे हैं तो आपके और गेट भी कितने लगेंगे, यहाँ पे दो लगेंगे। उसके बाद जो और गेट की आउटपुट है उसको किसको दे दोगे, एक और गेट को, और यहाँ पे फाइनल आपका फंक्शन क्या मिल जाएगा, फंक्शन वन एंड फंक्शन टू। तो हमारी चार प्रोडक्ट टर्म्स आ रही थी, तो वो कौन कौन सी आ रही है, ए बी, ए सी, बी सी और ए बार, बी बार, सी बार। ठीक है, तो मैंने उन टर्म्स को यहाँ वन पुट करवा दिया, ए बी, ए सी, बी सी और ए बार, बी बार, सी बार। तो ये तीनों को जीरो रखा हुआ है। फंक्शन वन में आपकी ये तीनों आ रही हैं और फंक्शन टू पे आपकी पहले वाली दो और लास्ट वाली आ रही है, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को आपने क्या रख दिया, वन लिख दिया। अब हम इस टेबल को ध्यान में रखते हुए आगे इसका सर्किट डिजाइन करेंगे, तो जहाँ पे क्रॉस है वहां पे फ्यूज इंटेक्ट, मीन्स फ्यूज मेक है, और जहाँ पे प्लस है, प्लस साइन शो नहीं किया हुआ, तो उसकी जगह उसने उस कनेक्शन को लूज रखा हुआ है। तो जहाँ पे कनेक्शन लूज है, जहाँ पे क्रॉस साइन नहीं है, वहां पे आपका कनेक्शन क्या है, ओपन है। इट मीन्स वहां से कोई भी इनपुट आगे ट्रांसफर नहीं होगी। तो देखो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए बी, ए सी और बी सी। तो देखो फर्स्ट फंक्शन क्या चाहिए आपको, ए बी, ए बी चाहिए। तो ए बी कहाँ से आएगा, ए, ए यहाँ से आ गया आपका और बी यहाँ से आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन आ गया आपका, प्रोडक्ट टर्म की, प्रोडक्ट टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं, ए भी यहाँ से आ गई, अगेन फिर ए सी, ए और सी, ए और सी के ऊपर आपने जो भी बफर लिए हैं वो बफर क्या करते हैं, व्हाट डू मीन बाय बफर, बफर क्या होते हैं कि जो भी इनपुट है उसका एक जो लाइन होगी वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट होगी और दूसरे से कॉम्प्लीमेंट वाला फंक्शन निकलेगा। इट मीन्स एक से ए और एक से ए बार। तो मैंने उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये लाइन क्या कर रखी है आपकी, ड्रा कर रखी है। तो आपकी चार प्रोडक्ट टर्म्स थी, ए बी, ए सी, बी सी एंड ए बार, बी बार, सी बार। उसके अकॉर्डिंग जो जो चाहिए वहां आपने कनेक्शन क्या किए हुए हैं, मेक किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, ए बी, तो ए कहाँ से आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाला ए और बी ये वाला, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ए बी, जिसको हमने किसको अप्लाई कर दिया, एंड गेट को, और यहाँ पे हमें फंक्शन क्या मिल जाएगा, ए बी। इसको एक बार छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्या है आपका, ए सी, ए सी कहाँ से मिल रहा है, ये वाला आपका क्या है, ए, और ये वाला क्या है आपका, सी। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, ए सी। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, बी सी, तो बी सी क्या है, ये वाला क्या है आपका, बी, और ये वाला क्या है आपका, ध्यान से देखिए, सी। ठीक है, तो ये वाला मिल गया आपको बी सी। नेक्स्ट क्या है आपका, ए बार, बी बार, सी बार। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये वाला ए बार,
ये वाला बी बार और ये वाला सी बार, ठीक है। तो आपने चार प्रोडक्ट टर्म्स निकाल ली। अब आपका फंक्शन वन में तीन ऐड हो रही है, ठीक है। देखो ध्यान से, ए बी ए सी प्लस बी सी। तो ए बी को उठाया आपने फंक्शन वन में, दैट इज फंक्शन वन हेयर, ए बी को, ए सी को, बी सी को। फंक्शन टू में ए बी को, ए सी को और ए बार बी बार सी को जो चाहिए वहां पे आपने क्रॉस साइन की हेल्प से फ्यूज इंटरेक्ट कर दिया, यानी कि फ्यूज मेक कर दिया, क्लियर, ठीक है। अब जो फाइनल आउटपुट आई है उसको एक्सओर गेट को दे देंगे। लास्ट में यहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन वन एंड फंक्शन टू इम्प्लीमेंटेड। इट मीन्स इसमें दोनों एंड और गेट्स क्या है, प्रोग्रामेबल है। तो एज पर दी के मैप, जब भी कोई चीज का के मैप डिजाइन करोगे, चाहे आप एनकोडर बना रहे हो या फिर आपने बाइनरी टू ग्रे बनाया है, तो उसकी आउटपुट तो के मैप की फॉर्म में आएगी, और के मैप के बाद का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। तो उसको आप बड़े इजी वे से किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स को एंड और गेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है पाल। तो पाल के अंदर क्या है, आपका एंड गेट तो प्रोग्रामेबल है लेकिन और गेट फिक्स है। इट मीन्स आप एंड गेट को चेंज कर सकते हो लेकिन और गेट को चेंज नहीं कर सकते, क्लियर। तो ये एक सिंपल सर्किट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है एंड गेट का, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऐसे लाइक इनपुट लाइन्स हैं, वो मैंने प्रोडक्ट टर्म्स को ध्यान में रखते हुए 0 से लेकर 9 तक ली हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 फॉर आई वन, अगेन 4, 5, 6 फॉर आई टू, एंड 7, 8, 9 फॉर आई थ्री, एंड 10, 11, 12 फॉर आई फोर। आपने यहाँ पे हर किसी को एंड गेट से विद प्रोग्रामेबल स्विचेस की हेल्प से मेक कनेक्शन दिया हुआ है, क्लियर। फ्यूज इंटेक्ट है यहाँ पे, तो ये सारे प्रोग्रामेबल हैं एंड, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्रॉस का साइन नहीं है तो ये प्रोग्रामेबल नहीं है। इट मीन्स आपका और एरे क्या है, फिक्स है, क्लियर, ठीक है। तो ये सर्किट आपका थोड़ा सा अलग है विद योर PLA, सिंपली अगर यहाँ पे भी आप प्रोग्रामेबल कनेक्शन होते तो आप इनको इन लाइन से तीन तीन लाइन बना देते, क्लियर, ठीक है। उन तीन लाइंस को फिर आगे मेक और ब्रेक करके और गेट को देते, तो आपका वो PLA में चेंज होता, क्लियर। तो यहाँ पे क्रॉस साइन नहीं है, तो वो आपका सर्किट क्या है, एंड गेट प्रोग्रामेबल है लेकिन और गेट प्रोग्रामेबल नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसको भी एग्जांपल के थ्रू शेयर करने की कोशिश की है कि जैसे मान लो आपने पाल को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ योर एंड एन और एरे, तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके पास 4 फंक्शन गिवन है, w x y एंड z। उन फंक्शन की वैल्यू किसी इनपुट्स के ऊपर क्या है, 1 है। तो आप इन सभी के लिए, चारों के लिए के मैप बनाओगे, और जब चारों के लिए के मैप बनाओगे उसको जब आप बुलियन फंक्शन में चेंज करोगे, इन इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे, तो आपके w की वैल्यू ये वाली आएगी। उसने लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द 4 फंक्शन विद द हेल्प ऑफ योर के मैप। After getting the output of your K-map, you can design the, you can say, PAL circuit in very easy way. ठीक है? तो इसमें आप क्या करेंगे? जो भी आपकी इनपुट आई है, मैं कोई भी एक इनपुट उठा लेती हूँ। जैसे सपोज कीजिए, सबसे पहले तो आप इसमें भी प्रोडक्ट टर्म चेक कर लीजिए, मैक्सिमम कितनी आ रही हैं। यहाँ 2 आ रही हैं, यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 आ रही हैं। इसको उसने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ कितनी आ रही हैं, 1, 2, 3। इट मीन्स आपकी मैक्सिमम कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। तो आप एंड गेट में हर किसी की लाइन में 3 लाइन शो करोगे, क्लियर, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया है, पहले उसका एक टेबल ड्रा किया। तो आपने प्रोडक्ट टर्म्स अगर 3 मैक्सिमम आ रही हैं, तो आपने हर किसी के लिए, W के लिए, X के लिए, Y के लिए और Z के लिए, 3 इनपुट शो की हुई है, 1, 2, 3 फॉर W, 4, 5, 6 फॉर x एंड 7, 8, 9 फॉर y एंड 10, 11, 12 फॉर z। अब आपका जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, दैट इज a b c बार। देखो ध्यान से, a b c बार, क्योंकि c बार है तो यहाँ 0 शो किया हुआ है। इसमें आपका d और w नहीं आ रहा, तो हम मैंने हाइफन शो कर दिया, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका फंक्शन, सॉरी, नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म क्या है, a बार b बार d बार और c, a बार b बार d बार और c, क्लियर। यहाँ W नहीं आ रहा, तो उसको दोबारा फिर बाहर से शो कर दिया। और थर्ड टर्म्स आपके इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, थर्ड प्रोडक्ट टर्म, तो उसको हर जगह आपने हाइफन से शो किया हुआ है, क्लियर। तो थर्ड टर्म्स आपकी ओनली किस में अवेलेबल है, Y और Z में। तो Y की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखिए, Y की वैल्यू आ रही है आपकी A बार B, C D, B बार D बार। तो A बार B और C D ध्यान में रखिए, A बार B मीन्स A बार ये वाला और B ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सी डी, सी ओ डी, और नेक्स्ट क्या आपका बी बार और डी बार। तो मैंने इस यहाँ से 5 फंक्शन से तीसरी प्रोडक्ट टर्म्स आ रही थी उसको भी लिख दिया, लेकिन पहले 2 फंक्शन में आपकी 2-2 प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं, इसलिए आपने 2 यूज की, तीसरी को आपने हाइफन से शो कर दिया, क्लियर है। इस तरह आपने उसकी ट्रुथ टेबल क्या कर ली, डिजाइन कर ली। अब इस ट्रुथ टेबल को ध्यान में रखते हुए जहां जहां वैल्यू आ रही है, जैसे सपोज करो फंक्शन क्या आपका ए बी सी बार, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी बार, और सेकेंड प्रोडक्ट टर्म्स क्या है आपकी, आपकी ए बार बी बार सी, ठीक है। तो सेकेंड वाली क्या है, ए बार
उसके बाद बी बार, और फिर क्या है आपकी सी, ठीक है, क्लियर है। इनको उठा के आपने फिर एंड गेट को दे दिया, और तीसरी नहीं आ रही है तो हमने कहीं भी प्रोग्रामेबल कनेक्शन को शो नहीं किया, ठीक है। अब इन तीनों की, वैसे तो ये प्रोग्रामिंग में नहीं होगा, अगर आप यहाँ शो नहीं भी करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्लियर। तो अब दोनों क्या हो रही है, बाद में ऐड हो रही है। ऐड किस, सपोज करो ये दो प्रोडक्ट टर्म्स थी आपकी, ये वाली, ये दोनों क्या हो रही है, ऐड हो रही है प्लस साइन से, तो आपने इन दोनों की आउटपुट को उठा के किसको दे दिया, और गेट को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका डब्ल्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। जैसे मैं एक फंक्शन और आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ, आपने लाइक आपकी जो ये तो इनपुट वेरिएबल्स हैं आपके सारे, जैसे मैंने ये बफर बनाए हुए हैं, जो ए है वो ए और ए बार यहाँ से, बी बार यहाँ से, सी बार यहाँ से, इनपुट्स आ रही हैं सारी, ठीक है। यहाँ पे उन लाइंस को आपने इसके थ्रू देने के बजाय आप इनको बना के इस तरह से, लाइक जैसे ये बनाया हुआ है, ये लाइन ऐसे भी बना सकते हो, अगली वाली फिर ऐसे आप इस वे से भी बना सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे, ठीक है। देन क्या किया आपका थर्ड फंक्शन में, एक बार फिर दिखा देती हूँ। थर्ड फंक्शन में आपके तीन आ रही हैं, ए बार बी सी डी और बी बार डी। अब ध्यान से देखो, ए बार बी, तो यहाँ से आपका क्या आया, ए बार बी सी डी, और नेक्स्ट क्या है आपका लास्ट फंक्शन, हेयर बी बार डी। ध्यान से देखो, ये वाला बी बार है और ये वाला डी है। अब इन तीनों को आपने ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ फोर गेट्स, तो आगे क्या लगा दिया और, तो यहाँ जो कनेक्शन बने हुए हैं वो ओनली एंड पे बने हुए हैं, और पे नहीं बने हुए। तो इसमें क्या हुआ, एंड गेट तो आपका प्रोग्रामेबल हुआ लेकिन और गेट प्रोग्रामेबल नहीं है, क्लियर। तो बाय द यूज ऑफ दैट सर्किट डिजाइनिंग, वी कैन डिजाइन एनी कॉम्बिनेशन सर्किट विद द हेल्प ऑफ पाल एंड पीएलए इन अ वेरी इजी वे। सो ये जरूरी नहीं है कि हम ये जब हमने पढ़े हुए हैं वही सर्किट हम डिजाइन कर सकते हैं। जितने बड़े कॉम्बिनेशन सर्किट हो उसको हम पीएलए और पाल के चिप के थ्रू बड़े इजी वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज अ वेरी इजी प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट एनी कॉम्बिनेशन डिजाइन विद द हेल्प ऑफ योर पाल एंड पीएलए, और यू कैन से प्रॉम चिप, क्लियर। बट इन दैट केस, इन थ्री ऑफ दीज Only your PLA devices is much more flexible as compared to your two phenomena, that is PROM and you can say PAL, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप किसी भी डिवाइस को बड़े इजी वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियोस को दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूंगी कि आपको आज मैंने क्या क्या स्टडी में लेके आई हूँ। पहले मैंने बताया कि व्हाट यू मीन बाय पीएलडी होता क्या है, पीएलडी की एडवांटेज क्या है, क्यों हमने यूज किया पीएलडी को, ठीक है। तो अगर हम पीएलडी को अपने एप्लीकेशन के अंदर ला रहे हैं, तो उसको पीएलडी के अंदर आपके तीन डिवाइसेस आ रहे थे, प्रोम पाल एंड पीएलए। प्रोम के अंदर आपका एंड फिक्स एरे है और आपका क्या है, प्रोग्रामेबल है, ठीक है। और उसके बाद आप पाल के अंदर आपका एंड एरे तो प्रोग्रामेबल है लेकिन और एरे क्या है, फिक्स है, क्लियर, ठीक है। और पीएलए के अंदर आपके दोनों क्या है, प्रोग्रामेबल है। मैंने फिर इन्हीं चीजों को एक एक प्रोग्रामिंग लाइक के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप इन दोनों का सर्किट जो है वो आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ध्यान में रखोगे कि आपका एंड एरे जो है इसमें क्या है, फिक्स है, इसमें क्या है, प्रोग्रामेबल है, इसमें उसका क्या चीज यूज की हुई है, रिवर्स चीज यूज की हुई है, ठीक है, ठीक है। तो आपने पीएलए को विद द हेल्प ऑफ वन डिजाइन के थ्रू किया, दैट शो माई एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन विच आर शो हेयर, ठीक है। और उसके बाद आपने पाल का भी एग्जाम्पल शेयर किया, मैंने चार फंक्शन लिए थे, उन चारों फंक्शन की आउटपुट निकाली विद द हेल्प ऑफ के मैप, उसके अंदर कितनी मैक्सिमम टर्म्स आ रही हैं उसकी फॉर्म में लिखा, देन मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो इसमें भी जहाँ कनेक्शन है वहाँ आपका मेक, और जहाँ कनेक्शन नहीं है वहाँ लूज है, तो वहाँ कनेक्शन क्या होगा, लाइक अगर, हाँ सॉरी, अगर आपने जहाँ कनेक्शन करना है वहाँ क्रॉस साइन पुट करोगे, लेकिन क्रॉस से अगर इस कनेक्शन को मान लो बाई चांस नहीं लेना, गलत हो गया है, तो यहाँ प्लस साइन कर देना, ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्लोन हो जाएगा, इट मीन्स ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्लियर। तो इससे आप किसी भी कनेक्शन को मेक और ब्रेक करके, मेक है तो क्रॉस है, अगर वो लाइक ब्रेक है तो उसके ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, इट मीन जैसे मान लो वंस टाइम आपने प्रोग्रामिंग करके उसके आउटपुट को अटेन कर लिया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसी सर्किट की, तो उसमें कुछ चेंजेस आए, क्लियर, जैसे सपोज करो ये कनेक्शन नहीं चाहिए तो यहाँ प्लस साइन लगा देना, तो ये कनेक्शन क्या हो जाएंगे, आपके ब्लोन हो जाएंगे, इट मीन्स लास्ट वाले में ये फंक्शन आपका आउटपुट पे नहीं आएगा, क्लियर, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन मेक और ब्लोन की हेल्प से आप किसी भी सर्किट को बड़े इजी वे से ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो टूडे
आई एंड मिड एंड माय वीडियो विद योर पाल पीएलएन पीएलए. आगे हम जो है इन्हीं सर्किट्स की आगे कॉम्प्लेक्स सर्किट पढ़ेंगे. दैट इज कॉल्ड योर यू कैन से सीपीएलडी और यू कैन से एफपीजीए. एंड एफपीजीए स्टैंड फॉर योर फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे. एंड लास्ट वन इज कॉल्ड योर सीपीएलडी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस. तो उनके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर तो हमने जैसे मान लो पीएलए और पाल स्टडी किया है, उसके अंदर हम कलेक्शन ऑफ पीएलए एंड पाल यूज करेंगे. क्लियर? ठीक है, तो वो सर्किट और भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए. तो हम एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ. कि ये आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन योर फ्रॉम पाल एंड पीएलए. ठीक है, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि आपके पाल और पीएलए के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है. क्लियर? या फिर ये पूछ सकता है कि यू कैन ड्रा द सर्किट फॉर योर पाल एंड पीएलए एंड हाउ इट इज डिफर एंड दैट फिनोमिना शुड बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल्स. ठीक है, और एनी कॉम्बिनेशन. या फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि आपने एनकोडर डिजाइन करना है या बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ योर कॉम्बिनेशनल. तो जो भी कॉम्बिनेशन सर्किट आपने डिजाइन करना हो, तो नेचुरल सी बात है कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने के लिए आपको के मैप तो बनाना पड़ेगा. ठीक है, के मैप बनाने के बाद जो भी आउटपुट आएगी इन द फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, उन बुलियन एक्सप्रेशन के बाद का मैंने प्रोसीजर आपको अपनी वीडियो के अंदर बड़ी अच्छे से बताया है कि अगर वो बुलियन एक्सप्रेशन होगा तो इस फॉर्म में होगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो भी उसकी आउटपुट होगी. तो उसको हम बड़े इजी वे से विद द हेल्प ऑफ टेबल और यू कैन से मेक और ब्रेक कनेक्शन के थ्रू आप उसकी प्रोग्रामिंग करके दिखा सकते हो आइदर ऑन पीएलए और आइदर ऑन पाल चिप. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच.